नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पूर्वोत्तर भारत के विश्व विख्यात हिल स्टेशन गंगटोक की यात्रा पर ले चलेंगे। गंगटोक एक प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है जो हमारे देश के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वतमाला के साये में बसा हुआ है। गंगटोक को प्रकृति ने भरपूर प्राकृतिक संसाधनों से सजाया सवारा है। यहाँ के मनोरम प्राकृतिक वातावरण और शीतल जलवायु के कारण लाखों की संख्या में पर्यटक खींचे चले आते हैं। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी होने के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का एक मुख्य पर्यटक स्थल भी है। गंगटोक समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा होने के कारण यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना बना रहता है। खूबसूरत हिमालय की वादियों में बसा गंगटोक सिलीगुड़ी से 114 किलोमीटर और न्यू जलपाईगुड़ी से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगटोक का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी आदि शहरों से रोज ट्रेनें चलती हैं। गंगटोक तक अच्छी सड़क बनी हुई है। न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग आदि प्रमुख शहरों से गंगटोक तक सीधी बस सेवा है। इसके अलावा गंगटोक आप अपने निजी वाहन या फिर टैक्सी से भी जा सकते हैं। गंगटोक का सबसे निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा में बना है जो गंगटोक से 124 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगटोक जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई महीने का होता है। इन दिनों गंगटोक में काफी संख्या में सैलानी आते हैं जिसके कारण यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। इसलिए गर्मियों में जब भी गंगटोक जाना हो तो होटल पहले से ही ऑनलाइन बुक करा कर जाना चाहिए। जून के महीने में यहाँ बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। मानसून के मौसम में बारिश के कारण यहाँ की हरियाली अपने चरम पर होती है। जगह जगह छोटे बड़े झरने देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गंगटोक अक्टूबर नवंबर में भी जाया जा सकता है। भीड़भाड़ से दूर रहने वाले और सुकून पसंद सैलानियों को अक्टूबर नवंबर में ही गंगटोक जाना चाहिए। इस समय आसमान साफ होता है जिसके कारण हिमालय की खूबसूरत वादियों के विहंगम नजारे नजर आते हैं। गंगटोक काफी साफ सुथरा और व्यवस्थित नगर है। यहाँ काफी संख्या में हर तरह के बजट के होटल बने हुए हैं, जिसमें आमतौर पर 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में अच्छे और साफ सुथरे कमरे मिल जाते हैं। गंगटोक में MG रोड पर काफी संख्या में खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं, जिसमें हर तरह के भारतीय व्यंजन मिल जाते हैं। गंगटोक और उसके आसपास घूमने की काफी प्रसिद्ध जगह है, जिसमें देवराली के पास खूबसूरत हरे भरे गार्डन के बीच में बना नमग्याल तिब्बतोलॉजी संस्थान देखने लायक है। इसमें प्रवेश करने के लिए 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेनी होती है। इसके प्रथम तल पर संग्रहालय बना हुआ है, जिसमें तिब्बती कला, साज सज्जा, आभूषण, मूर्तियों, लकड़ी के बर्तन, औजार आदि का अनूठा संग्रह है। यह संस्थान हर रविवार को बंद रहता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गंगटोक का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप दो द्रुल चोटेन बना है। यह सिक्किम के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। यह स्तूप सफेद रंग का बना है, जिसका शिखर सोने से बना हुआ है। गंगटोक में MG रोड से 20 मिनट की पैदल दूरी पर रिच पार्क है। यह पार्क काफी प्रसिद्ध है। रिच पार्क के पास में ही पुष्प प्रदर्शनी केंद्र बना हुआ है। इस केंद्र में प्रवेश करने के लिए 10 रुपए प्रति व्यक्ति की टिकट लगती है। यह प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। इस केंद्र में सिक्किम के विभिन्न प्रजातियों के फूलों के अलावा सिक्किम के मुख्य फूल ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। गंगटोक से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान टोक स्थित है। यहां हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। गंगटोक का यह मंदिर सुरम्य वातावरण में सबसे शांत और पवित्र स्थलों में से एक है। इसे एक मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर का रखरखाव भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। गंगटोक का अगला आकर्षण गणेश टोक है। गंगटोक नाथुला मार्ग पर गंगटोक शहर से गणेश टोक लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश का एक मंदिर स्थापित है। मंदिर के चारों तरफ बालकनी बनी हुई है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत और गंगटोक शहर के दूर तक का नजारों का आनंद लिया जा सकता है। मंदिर से कुछ किलोमीटर चलने के बाद ताशी व्यू पॉइंट आता है। ताशी व्यू पॉइंट गंगटोक का मुख्य दर्शनीय स्थल है, जो गंगटोक से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यहाँ से कंचनजंगा पर्वतमाला के साथ सूर्योदय को न भुलाया जाने वाला शानदार नजारा देखने को मिलता है। गंगटोक में बहुत सारे झरने आपको जगह जगह मिल जाएंगे, जिसमें बन जागरी वाटरफॉल काफी खूबसूरत है। यह गंगटोक शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 2 एकड़ में फैला है। गंगटोक में पिकनिक मनाने का यह सबसे अच्छा वाटरफॉल है। गंगटोक जाने वाले पर्यटकों को यह फॉल जरूर देखना चाहिए। गंगटोक शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे बेहद ही सुंदर बक्तांग फॉल है। हरियाली के बीच पहाड़ की काफी ऊंचाई से गिरता ये झरना और इसके चारों ओर उड़ती पानी की बूंदें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बक्तांग फॉल के पास में खाने पीने के रेस्टोरेंट बने हुए हैं। गंगटोक का मुख्य आकर्षण गंगटोक रोपवे है। इस रोपवे का सफर करने पर पूरे गंगटोक का एरियल व्यू दिखाई देता है। गंगटोक जाने वाले पर्यटकों को इस रोपवे की राइड जरूर करनी चाहिए। गंगटोक का सबसे मुख्य आकर्षण समुद्र तल से 14,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित इंडो चाइना बॉर्डर नाथुला पास है। नाथुला पास गंगटोक से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। नाथुला पास जाने वाले रास्ते पर ही छंगू लेक पड़ती है और छंगू लेक से 19 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह मंदिर पड़ता है। इन सभी स्थानों पर जाने के लिए एक दिन पहले परमिट बनवाना पड़ता है। पर्यटक ये परमिट सिक्किम पर्यटक ऑफिस या फिर ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बनवा सकते हैं। परमिट बनवाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड को मान्य नहीं किया जाता है। इस पास को बनवाने में लगभग 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च भी हो जाता है। नाथुला पास बहुत अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती है। सांस की बीमारी वाले पर्यटकों को नाथुला पास में परेशानी हो सकती है। ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ 4 साल से छोटे बच्चों को ले जाने पर भी प्रतिबंध है। नाथुला पास सोमवार और मंगलवार को आम लोगों के लिए बंद रहता है। नाथुला पास से 3 किलोमीटर पहले शेरथंग मार्केट है, जहाँ से चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार होता है। गंगटोक से नाथुला पास वाले रास्ते पर ही 39 किलोमीटर चलने के बाद छंगू लेक पड़ती है। छंगू लेक का दूसरा नाम सोमेगो लेक भी है। यह प्रसिद्ध झील सिक्किम राज्य की सबसे खूबसूरत बड़ी और ठंडी झील है। समुद्र तल से लगभग 3,757 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये झील करीब 1 किलोमीटर लंबी, आधी किलोमीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी है। झील के चारों तरफ के ऊंचे पहाड़ इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। सर्दियों में बर्फबारी और ठंड के कारण ये झील जम जाती है। झील के आसपास आप याक की सवारी का भी आनंद उठा सकते हैं। झील के पास चाय नाश्ते के लिए एक कैफेटेरिया भी बना हुआ है। छंगू लेक से 19 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर भारतीय फौज में कार्यरत बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है। समुद्र तल से करीब 12,651 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की देखरेख भारतीय फौज के द्वारा की जाती है। यहाँ पर सेना ने पर्यटकों की सुविधा के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है। मंदिर परिसर में फ्रेश होने के लिए एक वॉशरूम और कैंटीन भी बनी है, जिसे यहाँ के फौजी भाइयों द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा गंगटोक में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, रंका मॉनेस्ट्री और रूमटेक मॉनेस्ट्री जैसे कई घूमने लायक स्थान हैं। इसलिए दोस्तों, गंगटोक जब भी जाएं तो कम से कम 3 से 4 दिन का प्रोग्राम बना कर जाएं। इससे कम समय में गंगटोक के सभी स्थानों को देख पाना संभव नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी गंगटोक यात्रा काफी आसान और यादगार रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।